हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 23 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज़ है दैट नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 23 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बार रेडियो ब्रॉडकास्ट हमारे देश में हुआ था ऑन द सेम डेट, तो बस उसी चीज़ को कॉमेमोरेट करने के लिए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई को रखा गया है। अब 23 जुलाई 1927 में बॉम्बे स्टेशन से बाय IBC इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के थ्रू पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था। ठीक है, तीन चीजें हम समझते हैं, कंपनी का नाम, स्टेशन का नाम, साल एंड ईयर, राइट। अब वही चीज है कि ये डे हाईलाइट करता है कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का क्या रोल है इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। लोगों तक अगर सच्ची बातें पहुंचे तो उनका एक माइंडसेट शेप होता है ना, इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है लोगों तक, उनको मास एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट का सोर्स भी है रेडियो, है ना। तो बस उसी का सिग्निफिकेंस यहाँ पे बताया गया है। एज सच इसका थीम कोई नहीं रखा गया है और कोई इसका प्रॉपर एक थीम रखा भी नहीं जाता। ठीक है, मैं देख रही थी तो इसमें जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे है ये पर्टिकुलर किसी थीम को एडहेयर नहीं करता है। ठीक है, चलिए सेकेंड न्यूज हम देखें। यहाँ पे एक बुक के बारे में हम बात करेंगे। बुक का नाम है विंग्स टू आर होप्स वॉल्यूम 1, फीचरिंग 75 सिग्निफिकेंट स्पीचेस फ्रॉम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मूज फर्स्ट ईयर। बुक का नाम है विंग्स टू आर होप्स वॉल्यूम 1। हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, पहले एक साल में जो भी इम्पॉर्टेंट या बोल लो सिग्निफिकेंट 75 स्पीचेस उन्होंने दी थी उसको कंपाइल करके इस बुक में ऐड किया गया है। ये बुक कहाँ पे लॉन्च की गई? राष्ट्रपति भवन कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में। हमारे जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इस ई बुक फॉर्म में, मतलब ऑनलाइन आप इसे पढ़ सकते हो, इस फॉर्म में रिलीज किया है इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में। ठीक है, थर्ड न्यूज अगर हम देखें तो यहाँ भी हम एक बुक के बारे में ही पढ़ेंगे। बुक का नाम है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी जी। ये एक बुक का नाम है जो कि डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम जी ने लिखी है। ये एक्सप्लोर करती है पीएम मोदी जी की जो भी लीडरशिप जर्नी है वेस्टर्न परस्पेक्टिव से एंड इंडियन परस्पेक्टिव से। ठीक है, तो उनकी लीडरशिप के बारे में है। इन शॉर्ट ये हमारी मुर्मू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी की स्पीचेस के बारे में है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप साथ साथ में नोट्स बनाएं। अगर आप साथ साथ में नोट्स नहीं बना रहे हैं इट मीन्स कि कुछ पीछे छूट रहा है ना। कैसे आप बार बार सारी वीडियोस देखेंगे, जिस टाइम पे एग्जाम आएगा कैसे आप सब कुछ रिवाइज करेंगे। तो कोई बहुत लेंथी वीडियोस मैं नहीं बनाती हूँ, बहुत ही शॉर्ट वीडियोस होती हैं। तो बस आपको वीडियो के साथ साथ में नोट्स बनाने हैं जो कि आपके लिए बिलीव मी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, जिस टाइम पे एग्जाम आएगा रिविजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है ना, चलिए इसी के साथ देखिए, आप सब चाहें तो GS हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें अब बायो की PDF भी अवेलेबल है टू परचेज। बायो के अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, इन सभी सब्जेक्ट्स की PDF आप परचेज कर सकते हैं। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। आज का फोर्थ पॉइंट है दैट 35th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2024। सिंपल सी बात है, 35th एडिशन है, कजाकिस्तान में हुआ। यहां पे इंडिया का नाम आगे रहा क्योंकि इसमें गोल्ड जीता है महाराष्ट्र के मुंबई के वेदांत साकरे ने। दैट्स इट, और कुछ जानने की जरूरत नहीं। फिफ्थ पॉइंट हम देखें, 2024 पायनियर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? ग्रेटा गैरविक को दिया गया और ये अवार्ड जो है विल रॉजर्स मोशन पिक्चर्स पायनियर्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया, मतलब मूवीज के लिए दिया जाता है। ये फिल्म मेकर है एक, लेडी बर्ड, बाबी एंड लिटिल वुमेन। अच्छा, लिटिल वुमेन तो मैंने भी देखी है ना, इन मूवीज के फिल्म मेकर है, इन्हें ये अवार्ड दिया गया। दैट्स इट, और आप इनके बारे में जानने लग जाओ, अवार्ड के बारे में जानने लग जाओ, नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। ठीक है, सिक्स पॉइंट देखिए, रवांडा के नए प्रेसिडेंट बने हैं, कौन बने हैं? पॉल कैगमे बने हैं। अब ये कोई नए नहीं है, रीअपॉइंटमेंट है, फोर्थ टर्म या चौथा टेन्योर इनका शुरू हो रहा है। ठीक है ना, अब रवांडा देखिए कहाँ पे है, एक अफ्रीकन नेशन है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड माने कि इसके आसपास सिर्फ जो है और देशों की बाउंड्री है, कोई वाटर बॉडी नहीं है, जैसे इंडिया में है ना, सदर्न पार्ट में आपका इंडियन ओशन आ जाता है ना, वैसे करके नहीं है। कैपिटल क्या है रवांडा की? किगाली। ठीक है, सेवन पॉइंट हम देखें तो दो लोगों ने रिसेंटली इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट अनाउंस की है। एक है थॉमस मूलर जो कि जर्मनी से हैं, एक है ओलिवियर गिरॉड जो कि फ्रांस से हैं। दोनों ने ही इंटरनेशनल फुटबॉल से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है। कंट्री भी ध्यान रखने की कहां से है। ठीक है,
एट्थ पॉइंट हम अपना देखते हैं, बट इसी के साथ वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें। अब देखिए जो हमारा ये वाला पॉइंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? अब ये स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तब भी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये बात। टिम वॉकर की एक नोवल है, ठीक है, एक नोवल है जिसका हेडिंग है या टॉपिक है या नाम है द प्रिजनर ऑफ भोपाल, ठीक है। इस बुक को हो गए हैं पूरे 40 साल, ठीक है। तो ये बुक याद कर रही है 40th एनिवर्सरी ऑफ 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी। अब ये जो है ना 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये एक टाइम पे बहुत क्वेश्चन आता था गवर्नमेंट एग्जाम्स में। अब का मुझे पता नहीं क्योंकि अब मैं खुद से अपीयर नहीं होती एग्जाम्स के लिए, बट एक टाइम पे इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते थे और वही 3-4 क्वेश्चंस वही आएंगे बार बार। प्लस कौन बनेगा करोड़पति में भी 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर आप देखेंगे ना, जैसे आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर आप कौन बनेगा करोड़पति देखने बैठ जाओ, तो आप उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। उसमें क्वेश्चन भी कई बार विटामिन टाइप आते हैं, है ना, कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर कुछ प्रेसिडेंट टाइप कोई आर्टिकल से, है ना, या एरर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप देखेंगे तो काफी हद तक होते हैं उसमें, है ना। कुछ तो बेशक नहीं हम कर पाएंगे, बट ऐसे होते हैं। नाउ यहां पे हम बात कर रहे हैं 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी की, तो थोड़ा सा इसके बारे में पता होना जरूरी है। 2-3 दिसंबर 1984 को ये ट्रेजेडी हुई थी। कहां पे? यूसीआईएल, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट में, भोपाल मध्य प्रदेश में। तभी तो इसको भोपाल गैस ट्रेजेडी बोलते हैं, गैस का विस्फोट हुआ था, है ना। और ये ट्रेजेडी कंसिडर की जाती है दुनिया की सबसे बुरी इंडस्ट्रियल डिजास्टर। इस गैस के थ्रू मिथाइल आइसोसाइनाइड फैल गई थी, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, है ना। तो ये गैस आती है, डेट आती है क्वेश्चन, कंपनी का नाम आता है, कहां पे हुई थी याद आता है, साल कौन सा था क्वेश्चन आता है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए इसी के साथ सेकंड पेज भी हो गया कंप्लीट। अगेन वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। प्लस इसी के साथ देखिए, आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीजों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं अपने थर्ड और अपने लास्ट पेज की ओर। आज का 9th पॉइंट है दैट भोजशाला कॉम्प्लेक्स, जो कि धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। एक ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक सर्वे हुआ, जिसकी रिपोर्ट के हिसाब से ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, ये टेम्पल रिमेन से बना हुआ। मंदिरों की कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी मटेरियल यूज करते हैं, जब वो बच जाता है तो वो सारा मटेरियल यूज करके भोजशाला कॉम्प्लेक्स बनाई गई है। ये साइट अगर हम थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट में चले जाएं तो बनाई गई, डेवलप की गई राजा भोज के द्वारा। इंस्क्रिप्शंस यहां पे देखने को मिलती हैं संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेज में। 11th सेंचुरी का मॉन्यूमेंट है। और ये जो ASI सर्वे हुआ, फिर इसकी रिपोर्ट सबमिट की गई, जो इंदौर बेंच है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की, वहां पे ये रिपोर्ट सबमिट की गई। और ये डेटा कि ये जो भोजशाला कॉम्प्लेक्स है टेम्पल रिमेन से बना हुआ है, उसी रिपोर्ट का पार्ट है, ठीक है। 10th पॉइंट देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के हिसाब से इंडिया का ग्रोथ फॉरकास्ट प्रिडिक्ट किया गया है टू बी 7%, एंड दिस विल कीप इंडिया एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री अमंग डेवलपिंग नेशंस। अच्छा, कंट्रीज होती है ना हमारी, एक डेवलप्ड नेशन होता है, डेवलपिंग नेशन होते हैं, अंडर डेवलप्ड होते हैं। तो डेवलप्ड मतलब पूरा विकास हो चुका है, है ना। डेवलपिंग माने अभी विकास हो रहा है वहां पे, अंडर डेवलप्ड मतलब वहां पे अभी प्रॉपर जितना चाहिए उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो अब ये जो रीजन है एशिया वाला, यहाँ पे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री जो है वो इंडिया ही है, फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री या इकोनॉमी इंडिया ही है, ये भी इसके आउटकम है, ठीक है। तो IMF 7%, ये तो आपको एज इट इज याद रखना है। आगे चलें अपने 11th पॉइंट की ओर। तो एक मीटिंग हुई है, सेकेंड एडिशन ऑफ एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन। हुई नहीं है, मतलब होगी 11th-12th सितंबर को, ये हार्डली मैटर करता है, डेट कभी भी याद नहीं करनी ऐसी वाली, कोई नहीं पूछता। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, सेकेंड एडिशन हुआ है, ये पूछा जाएगा, इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा ये पूछा जाएगा, एंड ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया जाएगा बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिलकर। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस बीजिंग में हुई है, ठीक है। सच कोई थीम मोटो कुछ भी नहीं रखा गया है, तो ऑब्वियसली एविएशन के ऊपर यहां पर बात की जाएगी, है ना। चलिए अब देखिए, ये है हमारा आज का लास्ट पॉइंट एंड देन हमारी वीडियो कंप्लीट। जरूर ध्यान से सुने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो कर्नाटका कैबिनेट ने क्या किया है, एक बिल पास किया है, दैट इज पास करें या अमेंडमेंट बोल दें, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट्स बिल 2024। अब क्या है भाई इसमें,
इसमें कहा गया है कि कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट लोकल कैंडिडेट्स को ज्यादा प्रोवाइड करवाई जाए। उसका क्या मतलब है, चलो बिल का नाम आप देख लो, बिल्कुल सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। कर्नाटका में क्या हो रहा है ना कि वहां के लोगों को जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं और बाहर से आके लोग वहां पे बस भी रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं। बेंगलोर देखते हैं हम, है ना, कहाँ पे है, कर्नाटका में है ना, और भी बहुत सारे ऐसे हब्स हैं। बेंगलोर को तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। अब इस बिल के हिसाब से क्या किया गया है कि कर्नाटका स्टेट में जितनी भी मैनेजमेंट लेवल की जॉब्स हैं उसमें 50% रिजर्वेशन दी जाएगी कन्नड़ लोगों, मतलब कर्नाटका के लोगों को, एंड जो भी नॉन मैनेजमेंट पोजीशंस पे जॉब्स हैं उसमें 75% रिजर्वेशन दी जाएंगी। मतलब वहां पे वहीं के लोगों की जॉब लगे, इस चीज पे काम किया जा रहा है। कन्नड़ प्रोफिशिएंसी एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा तभी आपको वहां की, मतलब ऑब्वियसली बोनाफाइड लेने के लिए और भी क्राइटेरिया जो भी है, लेकिन ये प्रोफिशिएंसी एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा कन्नड़, है ना, तभी आप जो है वहां पे जॉब्स इस रिजर्वेशन के अंडर ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसी के साथ यहाँ पे एक नोडल बॉडी बनाई जाएगी जो टाइमली रिपोर्ट करेगी जो भी इसका आउटकम है, इस बिल को इम्प्लीमेंट करके जो भी आउटकम रह रही है उसको टाइमली रिपोर्ट करेगी स्टेट गवर्नमेंट को। समझ आ गया, मैनेजमेंट जॉब्स में 50% रिजर्वेशन है कर्नाटका स्टेट के लोगों के लिए, नॉन मैनेजमेंट पोजीशंस में 75% रिजर्वेशन होगी कर्नाटका स्टेट के लोगों के लिए, ये इसका मतलब है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।